हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस की, जो LLB का हाल ही में एग्जाम हुआ है उसकी जो बुकलेट नंबर डी थी। देखिए, बहुत से बच्चों ने बोला था कि सब बुकलेट चेंज करके हमें बताइए कि किस तरीके से हम आंसर को मैच कर सके। तो मैंने बुकलेट को चेंज किया है, बुकलेट डी मुझे मिला है और उस बुकलेट डी का आंसर सीट को चेक कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, देखिए, साक्ष्य अधिनियम के अंदर निम्न में से कौन सा युग्म सही है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ओके, इसका राइट आंसर है वो है डी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है, ये है शासकीय संसूचना। ओके, चलिए, एक सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है, सह अपराधी के संबंध में क्या प्रावधान है, वह सक्षम साक्षी नहीं है, ये इसका जो राइट आंसर है। साक्ष्य विधि, देखिए, साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संख्या का तोला जाए, गिना ना जाए। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है, यह है सेक्शन 132। ओके, चलिए फाइव को देख लेते हैं। फाइव का जो है डी आंसर है इसमें। चलिए सिक्स देखिए, सिक्स की जब हम बात करेंगे तो सिक्स के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। निम्नलिखित में से साक्ष्यों की परीक्षा का सही क्रम क्या है, वो सी है। ओके, सेवन क्वेश्चन को देख लेते हैं। अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम दिया गया है, वो है 138। ओके, 138। एट क्वेश्चन को देखेंगे। एट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचक प्रश्न से क्या तात्पर्य है। देखिए, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सूचक शब्द से जो हमारा जो फैक्ट है वो है आंसर नंबर बी। ओके, साक्ष्य अधिनियम अधिकार के लिए एक सूचक प्रश्न क्या है, प्रति मुख्य परीक्षा में होता है। टेन का जो आंसर देखेंगे, टेन का जो आंसर है वो ए है। ओके, इलेवन को देखेंगे। पक्षद्रोही साक्षी के संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है, वो 154 है। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होती है, ये जो आंसर है वो है 159। ओके, थर्टीन देखेंगे आप। थर्टीन का जो आंसर है वो ए एंड बी है। ओके, फोर्टीन देखेंगे। फोर्टीन का जो आंसर वो डी है। फिफ्टीन को देखेंगे। फिफ्टीन का जो आंसर है 142 है। ओके जी, अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ, 1 सितंबर 1872 से प्रभावशाली हुआ था, लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं हैं, 167 धाराएं हैं, 11 अध्याय हैं। साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, शपथ पत्र देखिए किस पर लागू नहीं होता है वो आपको देखना है। देखिए, साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, ठीक है। शपथ पत्र, मध्यस्थ कार्यवाहियों पर, है ना। देखिए, ए एंड बी दोनों हैं तो सी इसका राइट आंसर है। 19 को देखेंगे। 19 का जो आंसर है, 19 का जो आंसर है वो है ए। ओके, 19 का जो आंसर है वो ए। 20 का जो आंसर है वो ए। यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। ओके, यहाँ देखेंगे 21 क्वीन बनाम अब्दुल्ला वाद निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये परिमाण होगा। ओके जी, वैसे कंडक्ट है इसका आंसर, इनमें दोनों में एक डाउट है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। एक शब्द का दोनों में अंतर है। अब्दुल्ला यहाँ क्वीन बनाम अब्दुल्ला वाद है, और देख लेना आप, इसमें थोड़ा सा डाउट लगा था मुझे, तो ए एंड बी मैंने कर दिया है, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शिनाख्त कार्रवाई की जाती है, शिनाख्त कार्रवाई के लिए आप देखें कि जो हमारा सेक्शन ए है। ओके, अब देखेंगे 23 का जो आंसर है वो है ए। ओके, 24 का जो आंसर है वो है ए। 25 का आंसर है ए, ठीक है। 26 देखेंगे। 26 का जो आंसर है वो है बी। ओके, 27 का जो आंसर है वो सी। 28 का जो आंसर है वो होगा ए। ओके, 29 देखिए, 29 को मैंने कंडक्ट नहीं किया है, डाउटेबल क्वेश्चन था इस वजह से ड्रॉप किया है। अब 29, 30 को देखेंगे। 30 का जो आंसर होगा वो होगा बी। ओके, 30 का जो आंसर होगा बी। 31 का जो आंसर होगा बी। 31 का जो आंसर होगा बी। 32 का आंसर होगा बी। 33 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 34 का जो आंसर होगा बी।
35 का जो आंसर होगा वो होगा बी 36। 36 का जो आंसर होगा, देखिए 36 कह रहा है कि मृत्युकालीन घोषणा किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके देखें 37 ड्रॉप है, 38 को देख लेंगे, 38 का जो है आपका आंसर है सी, 39 का आंसर है ए, 39 का आंसर है ए, 40 का जो आंसर है डी, 40 का जो आंसर है वो डी है, 41 का आंसर होगा डी, 41 का आंसर होगा डी, 42 का जो आंसर होगा 42 का आंसर होगा सी, 42 का आंसर होगा सी, ये 42 का आंसर सी है ये, और 41 का जो आंसर होगा वो डी, ठीक है। ओके 43 देखेंगे, 43 का जो आंसर है वो बी, 44 का जो आंसर है वो डी, 45 ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन है, 46 को देखेंगे, 46 का आंसर होगा सी, 47 का देखेंगे सी, 47 का देखेंगे सी, 48 का बी, 48 का बी, 49 का देखें, 49 का देखेंगे सी, 49 का सी, 50 का देखेंगे ए, ओके 50 का देखेंगे ए, 51 को देखेंगे आप ए, 52 को देखेंगे आप सी, 53 को आप देखेंगे बी, 54 को देखेंगे आप सी, 55 को देखेंगे बी, 56 को देखेंगे बी, 57 को देखेंगे आप डी, 58 को देखेंगे ए, सॉरी 58 को सॉरी डी है, 58 का डी है, 59 का ए है डायरेक्ट, 59 का ए और 60 का भी ए, 61 का सी, 61 का सी, 62 का देखेंगे आप, देखिए 62 में जो किया है वो है प्राइमरी जो फर्स्ट है, 63 को देखेंगे, 63 में सी, 64 में डी, 65 में सी, 66 में देखेंगे, 66 में बी, 67 में आप देखेंगे डी, 68 में देखेंगे सी, 69 को देखेंगे, 69 में जो है आपको मिलेगा सी, 70 में देखेंगे, 70 में ए, 71 में भी आपको ए मिलेगा, 71 में 72 में आप देखेंगे सी, 73 में देखेंगे आप बी, 74 में देखेंगे आप सी, 75 में देखेंगे डी, 76 में आप देखेंगे ए, 77 में आप देखेंगे जो है सी डी, सॉरी डी, 78 में देखेंगे सी, 79 में आप देखेंगे डी, 80 में आप देखेंगे नेवर शिफ्ट यानी कभी नहीं बदलता, 81 में आप देखेंगे ए, 82 ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन, वैसे इसका अभियुक्त था ये वाला राइट आंसर था, बट ये डाउट है भाई, इस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट कमेंट नहीं करूंगा, देखें ये दो क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए हैं, 84 का देखेंगे, 84 का बी, ओके 85 का ए, 85 का ए, 86 का बी, 87 का सी, 88 का सी, 89 का देखें, 89 ड्रॉप किया हुआ है, वैसे इसका आंसर सी था, पर ये देख लीजिएगा, 90 का बी, 91 का सी, 91 का सी, 92 का डी, 93 का डी,
94 ड्रॉप किया है, 95 का ए, 96 देखेंगे, 96 का डी, 97 का सी, 97 हस्बैंड एंड वाइफ, ये देखिए जो है 98 है क्या, 98 है, ये आपका डी है और ये आपका सी है, एंड 99 को आप देखेंगे तो 99 आपका सेक्शन 123 है डी, और 100 को देखेंगे तो आपका 100 भी डी है। तो ये था आपका लॉ ऑफ एविडेंस का बुकलेट नंबर डी, ठीक है, बुकलेट नंबर डी। अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट मोर एडवांस लेवल पर चाहिए तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमारा मोटिवेशन डबल कर सकते हैं और हमें एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आप एग्री कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।